हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम रिफ्रेश हो लिए हुए हाजिर हूँ। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 62 बाब उसकी 10 आयत से लेकर 12 आयत तक खुदा का सुंदर पाक कलाम सुनिए। गुजर जाओ फाटकों में से, गुजर जाओ लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख उसका जुर उसके साथ, उसका काम उसके सामने है, और मुकद्दस लोग खुदाम के खरीदवे कहलाएंगे और तू मतलूबा यानी गैर मतलूब शहर कहलाएगी। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। अज़ीज़ो, इससे पहले कि हम दुआ मांगे, मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। खुदाम के लिए पत्थर चुनना, शहरा तैयार करना एक बड़ा मुश्किल काम है। यरूशलम जाते हुए रास्ते में बहुत ही पथरीली जमीन, बड़ा मुश्किल रास्ता है। जब बादशाह आते तो उनके लिए राह तैयार की जाती, शहरा को ऊंचा किया जाता। हमारी जिंदगी का बादशाह हमारा यीशु, जब यरूशलम में उसका शहाना दाखला हुआ तो लोगों ने उसको होशाना कहा। होशाना का मतलब है हमें बचा ले। उसके लिए राह तैयार की गई, उसके आगे कपड़े बिछाए गए, खजूरों की डालियां लहराई गई। थोड़े दिनों में हम इस पाम संडे को सेलिब्रेट करने को हैं, इसको खजूरों का त्योहार कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हमें खुदाओं के लिए शहरा तैयार करनी है, खुदा के लिए राह तैयार करनी है। पत्थर चुनना एक तकलीफ दे अमल है, हाथ जख्मी होते हैं। अगर आपने मोटरवे पे देखा हो कि जिस तरीके से वहां पर काम होता है और गर्मी सर्दी में किस तरीके से वहां पर लोग मेहनत करते हैं, रास्ता बनाते हैं, एक मुश्किल काम है राह तैयार करना, खुदा के लिए शहरा ऊंची करना। खुदावन अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाले हैं और अब वो एक बच्चे की तरह चरनी में नहीं बल्कि एक बादशाह की तरह अपने मुकर्रर फरिश्तों के साथ आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा। वो बादशाहत को कायम करने के लिए, उसकी बादशाहत ने कहा कि इस दुनिया की नहीं है। इस दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम है, जमहूरियत है, सदारती निज़ाम है, बादशाही निज़ाम भी है, लेकिन वो अजली और अब्दी बादशाह है। इन द बाइबल देयर इज नो डेमोक्रेसी, नो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो कम्युनिज्म, नो सोशलिज्म, देयर इज अ थियोक्रेसी। वो हमारा बादशाह है और बहुत जल्द आने वाला है। आइए अपने आप को तैयार करें, शहरा तैयार करें, उसके लिए रास्ता बनाएं ताकि वो हमें लेकर अपने साथ जाए और हम उसकी बादशाहत में शामिल हों। उसके साथ बैठकर हम तख्तों पर लोगों का इंसाफ करेंगे। आइए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करें, आज के इस प्रोग्राम को खुदाम के हाथों में दें। खुदाम, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ये चाहता है कि प्यार खुदाम हम तेरे लिए शहरा तैयार करें। खुदाम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें चुना, क्योंकि हम तेरे खानदान के लोग हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदा पाक खुदा, तू जो लश्करों का खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, कदूस और पाक है, बादशाहों का बादशाह है। हम रात की मीठी नींद के लिए, सारी मुहाफजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज को इस दिन को खुदा तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदा, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, इस सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
जी यकीनन आपको इंतजार होगा आज के इस गीत का। ये गीत जो है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि इसकी जो इसका जो पस मंजर है वो मैंने पहले भी एक दफा आपके साथ शेयर किया था कि भाई भगत थे जो कि उन्होंने सिखों की तरह लंबे बाल रखे होते थे और दाढ़ी रखी होती थी, तो वो नंगे पांव चलते और खुदा की मुनादी करते जाते, तो ये गीत वो गाया करते थे, दिल दा मैं कमजोर थे यीशु मैनू सांभ के रखी, और उनको कत्ल कर दिया गया, मुसलमानों ने कत्ल कर दिया कि उन्होंने ये सोचा कि शायद ये सिख है, लेकिन वो मसीही थे, भगत थे, साधु कह लें आप, खुदा के सेवक थे। तो वो बड़े प्यार के साथ चलते जाते और ये गीत गाते जाते, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, मेरी नेकी किसे काम ना आवे तेरी नेकी ये कुछ होर, बंद बहिश्तां वाला बुआ दिता यीशु ने अज खोल, ते यीशु मैनू सांभ के रखी। आइए खुदा की तारीफ करते हैं। मेरी माफ कीजिएगा कि गीत जो है वो शायद डिलीट हो गया है, लेकिन मैं इस गीत को आज आपके लिए गाना चाहूंगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। और चलें आज क्वायर नहीं तो मैं आपके लिए ये गीत जो है थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, बेयर कीजिएगा मेरी आवाज को, और बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। अगर आप मेरे साथ जहां पर भी आप हैं अगर आप इस गीत को मेरे साथ गाएंगे खुदा आपको बरकत देगा। थोड़ी सिस्टम में गड़बड़ की वजह से गीत जो है, लेकिन मैं जरूर आपके लिए इसको किसी को प्ले करूंगा। ओ दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, मेरी नेकी किसे कम ना आवे, मेरी नेकी किसे कम ना आवे, तेरी नेकी ए कुछ होर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, बंद बहिश्ता वाला बुआ, बंद बहिश्ता वाला बुआ, दिता यीशु ने अज खोते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, तेरे फजल दिए लोड़ ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, हथां पैरां दे विच किल ठुकवाए, हथां पैरां दे विच किल ठुकवाए, खून दिता सुली दे उते डोलते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। हाँ जी, लेकिन आपने बरकत पाई होगी इस गीत से, तो आइए खुदाम का पाक कलाम तिलावत करते हैं। खुदाम हमें संभालता है, बड़ा ही ये इमोशनल गीत है, और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं
जब आप चर्च आएंगे तो जरूर मैं आपके लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गीत को आपके साथ गाऊंगा। खुदाम का पाक कलाम, कल जहां पर हमने इस बात को छोड़ा था, हम बात कर रहे थे कि जो जिस्मानी लोग होते हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो रोमियों के खत का हम दोबारा मुताला शुरू करते हैं, रोमन चैप्टर 8:1-11। कल हमने इस टेक्स्ट को लिया था और उसका एक हिस्सा हमने स्टडी किया था, आज हम उसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। रोमन चैप्टर 8:1-11। बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावन के जिंदा मौतबर लाफता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू कदीमुल आयाम है, तू अल्फा और ओमेगा है, अवल और आखिर है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कादरे मुतलिक है, हम तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए पाकरू आ और हमारी जिंदगी को कंट्रोल ले, हमें सिखा समझा ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें। हेवनली फादर, वी एक्नॉलेज दैट वी आर नॉट परफेक्ट, आवर माइंड्स आर लिमिटेड, आवर थॉट्स आर लिमिटेड, but you are the perfect God. We ask your anointing, your power upon us. Please lead us, guide us, inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom, your word. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. कल हमने इस बात को सीखा कि जो जिस्मानी होते हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मैंने कल आपको उन लोगों के लिए जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में पहली दफा शामिल हैं, मैं उनके लिए याद दहानी के लिए ये बात थोड़ी सी दोहराना चाहता हूं जो कल हमने सीखी रोमियों के खत में से। जो जिस्मानी होते हैं वो कौन होते हैं?
वो जिनके अंदर खुदा का रूह काम नहीं करता, those who are not believer, simple definition, जिनके अंदर खुदा का रूह काम नहीं करता, जो खुदा उनकी मर्जी को पूरा नहीं करते, जो अपने जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, those who are following their five senses, हवास खमसा, जो अपनी आंखों देखे पर चलते हैं, अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, जिनमें खुदावन की रूह मसीह का जहन नहीं है, वो उसके नहीं है और वो खुदा को खुश नहीं कर सकते क्योंकि जिस्मानी है। इसलिए ये बड़ी जरूरी बात है कि हम इस बात पर गौर करें कि हु आर द स्पिरिचुअल बीइंग। मैंने कल ये भी सिखाया कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर तीन चीजों का मुरक्कब है, दे आर थ्री कॉम्पोनेंट्स इन आवर पर्सनैलिटीज, हमारी शख्सियत के तीन आप कह लें के हिस्से हैं, एक हमारा बदन है, एक रूह है और एक जान है। रूह को हम देख नहीं सकते, जान खून में है, लेकिन रूह मौजूद है, ऐसे जैसे मैं आपके सामने हूं, बात कर रहा हूं, आप मुझे छू नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे हम कलाम हूं। दिस बॉडी इज द हाउस ऑफ द स्पिरिट, इट्स लाइक अ टेंट, इसके अंदर खुदा का रूह है, एंड दिस बॉडी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, ये एक अक्स है उस जिस्म का जो खुदा ने हमें देना है, जिसके बारे में पालूस ग्रंथियों खत में कहते हैं कि अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर हम रूबरू देखेंगे। वो कहता है कि हमें नहीं मालूम कि वो बदन कैसा होगा, अभी हम नहीं जानते, लेकिन खुदावन एक खूबसूरत बदन हमें देगा। उसकी एक हम एग्जाम्पल जो है वो खुदा यीशु मसीह की सूरत में देखते हैं कि जिंदा होने के बाद वो बंद दरवाजों से अपने शागिर्दों के पास चले गए, उन्होंने उसे छू के देखा, उन्होंने तौबा से कहा कि देख रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता। उसके बाद उन्होंने अमावस की राह पर दो लोगों के साथ उन्होंने खाना भी खाया, जीतने के बाद उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मछली भी खाई, तो वो बदन कैसा था हम नहीं जानते, लेकिन वो जलाली था। तो ऐसे ही खुदावंद हमें एक ऐसा खूबसूरत बदन देगा जो जलाली होगा। ग्रंथियों के खत में खुदावंद ये फरमाते हैं कि आदमियों का गोश्त और है, चुपायों का गोश्त और है, जो बदन खुदावंद ने हमें देना है वो बड़ा खूबसूरत बदन होगा। एक वो बदन था जो कि उस गुनाह में गिरने से पहले आदम और हवा को दिया गया, और खुदावंद आदम के साथ ठंडे वक्त जाता और उसके साथ रफाकत रखता था, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं, उन्होंने अपने नंगेपन को पत्तों से ढांपने की कोशिश की, और फिर जुदाई हो गई। खुदावंद ने कहा, आए आदम तू कहां है, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। They were in sin at that time. खुदावन गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए अजीजो खुदावन ने कुर्बानियों को कायम किया। कुर्बत चाहता है, कुर्बानी की जो एटमोलॉजी है, उसकी जो जड़ है वो कुर्ब है, नजदीकी। खुदावन हमारी नजदीकी चाहता है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान होने के लिए भेजा, ताकि हमारी खुदा के साथ कुर्बत हो जाए, रफाकत हो जाए, बैलों का, बछड़ों का गोश्त खून हमें खुदा के साथ कुर्बत मुहैया नहीं करता। यीशु का खून, वो बेशकीमत खून
जो सलीब पर बहाया गया उसके वसीले से हमारी सुधार रफाकत हो गई, गुर्बत हो गई, सुलह हो गई। पौलुस जब इस खत को लिखता है रोमियो की कलीसिया को, कहा यह जाता है कि ये जो खत है इसमें इतनी फिलॉसफी है, लॉजिक है, मंतक है। किसी वक्त ये पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके सिलेबस का हिस्सा था, इसको पढ़ाया जाता था। पौलुस को क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि ये खत तहरीर करे, और इस खत में जो खास बात है, अहम बात है, पौलुस रसूल मसीहों में और गैर मसीहों में फर्क को देखना चाहता था। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन द बिलीवर्स एंड द नॉन बिलीवर्स, और वो इस बात के लिए कहता है कि अगर हम जिस्मानी हैं, अगर खुदा का रूह हम में नहीं है, वी आर नॉट बिलीवर, वी आर नॉन बिलीवर, इट्स अ डेंजर। जीजो 8वीं आयत को देखें, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। बलूगत की, मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं जिस्मानी मसीहों की बात करता हूं और रूहानी मसीहों की बात करता हूं, तो आप इसको और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं। मैच्योर एंड इमैच्योर पीपल, पुख्ता ज़हन वाले, बालग, उर्दू में मैच्योरिटी के लफ्ज़ जो ना बलूगत इस्तेमाल हुआ है, पुख्ता। बालग वो होता है जो समझ रखता है। एक बच्चे की शादी हम नहीं करते, नहीं नहीं अभी छोटा है, इसको समझ नहीं, इस रिलेशनशिप की, जब ये बालग होगा, एडल्ट होगा, इसकी शादी की जाएगी। बैप्टिज्म में भी ये बात ज़हन में रखें कि हम जो इन्फेंट होते हैं उनको हम पेरेंट्स के इमाम पर उनको बैप्टाइज कर देते हैं, लेकिन वो उसको उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझते। पाकशा हम नहीं देते बच्चों को, कहते हैं कि नहीं जी, जब इसको समझ होगी, जब इसको सिखाया जाएगा, इसकी इस्तकामत की रस्म अदा की जाएगी, बच्चों को बताया जाता है कि ये क्या है, आप क्या ले रहे हैं, इस बदन का, इस रोटी का, इस खून का, इस मैं का क्या मतलब है, तो तब हम उनको पाकशा देते हैं। तो मैच्योरिटी जो है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो जैसे पौलुस कहता है कि अभी तक दूध पीते हैं, इन्फेंट हैं, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, अभी तक वो बलूगत की सतह को नहीं पहुंचे। और पौलुस रसूल इस बात के लिए ये खत तहरीर करता है, वी नीड अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अभी तक बचकाना हरकतें करते हैं, पुख्तगी नहीं है, बलूगत नहीं है, आपको तजदीद की जरूरत है, आपको नएपन की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम देखें, यूहन्ना का अंजीली बयान और उसका तीसरा बाब। फरीसियों में एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का सरदार था। गौर कीजिएगा, ही वाज नॉट अ चाइल्ड, वॉज नॉट इन्फेंट, सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमस से कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है, रूह है, तौजब ना कर के मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिर से पैदा होना जरूर है। अब ये यहूदियों का सरदार था, मैच्योर फिजिकली आप कह लें, बट स्पिरिचुअल ही वाज नॉट मैच्योर। वो खुदाओं के कच्चा उस्ताद समझता था, आए रबी, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए, क्योंकि जो मौजूद दिखाता कोई शुक्र नहीं। वो मिरेकल्स की बात कर रहा था, खुदावंद ने उसकी सोच को और ज्यादा मसीह किया, उसके तसव्वुर मसीह को और ज्यादा बढ़ाया। ए भैया, सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुम्हें नए सिर से पैदा होना जरूर है अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। कहता है, जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, दाखिल होना तो कहीं रह के दूर की बात है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, तजदीद हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में चाहते हैं। नया घर, नई चीजें, नई गाड़ी, नया लिबास, क्या कभी हमने नई सोच के बारे में सोचा है? ह्यूमन नेचर, जो इंसान की फितरत है, इसको कौन तब्दील कर सकता है? फितरत, नेचर, खुदा की तरफ से हमें एक नेचर दी गई है, कहते हैं फितरी अमल है, इसको हम इंटेलेक्चुअल पावर भी कह सकते हैं। इसको इजी करना चाहता हूं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी पर बनाया, कल मैंने इसको आपको बात को सिखाया था। वी आर कैरिंग द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, खुदावन की खूबियां हमारे अंदर हैं। वी आर कैरिंग द नेचर ऑफ गॉड। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये जो बदन है इससे हम उस रूह को नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते हैं कि देयर इज अ स्पिरिट इनसाइड ऑफ अस। लेकिन जब खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है, जब हमारी नई पैदाइश हो जाती है, ये गिफ्ट है खुदावन की तरफ से। खुदावन का रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम खुदावन की सोच, खुदावन के इरादे, ये ऐसे ही है कि जैसे हमारी उसके साथ शादी हो जाती है, हम एक तन हो जाते हैं, हम उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं, फिर हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, उसके इरादे को पूरा करते हैं, उसकी सोच को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसके साथ एक तन होना है। खुदा का पाक कलाम देखें, ये बड़ी अहम बातें हैं जिसो हमें इनको सीखने की जरूरत है। खुदा के पाक कलाम हमें बताता है कि जो इसी कस्बी के साथ ताल्लुक रखते हैं वो उसके साथ एक होते हैं, वो एक तन हो जाते हैं। तो हम खुदावन के साथ एक तन हो जाते हैं जब हम खुदावन के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। खुदा का पाक कलाम देखिए, वार्निंग है, पहला करिन्थियों और उसका पांच बाब। यहां तक सुनने में आया कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौम भी नहीं होती, चुनाचे तुम में से हर शख्स अपनी बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेख ही मारते हो। लेकिन मैं वो जिस्म के अतबार से मौजूद ना था, मगर रूह के अतबार से हाजिर का गोया हालत मौजूद, ऐसा करने वाले परियों को देता हूँ कि जब तुम और तुम्हारी रूह
हमारे खुदा मसीह की कुदरत के साथ जमा होता है शख्स हमारी हमारे खुदा मसीह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदा मसीह के दिन निजात पाए। आगे चलकर नामी आयत में कहता है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि आराम करो से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के आराम करो या लालचियों या जालमों या बुत प्रस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि सर में तो तुमको दुनिया से निकल जाना पड़े पड़ता। लेकिन मैंने तुमको डर के ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहला कर आराम कर या लालची या बुत प्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालम हो तो उससे सोबत ना रखना बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना। बहुत सख्त अल्फाज है। मैं बात कर रहा था जुबान की गुफ्तगू के पिछले दिनों कि तुम्हारा कलाम जो है पुरफजल नमकीन होना चाहिए, और यहाँ पर खुदा का पाक कलाम बताता है कि जो गाली देने वाला है, देखिए इसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं, खुदा का कलाम बताता है कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला शराबी या जालिम हो तो सोबत ना रखना। दे शुडंट बी any fellowship of these kind of the carnal people, जो जिस्मानी है उनके साथ। और आगे चलकर थोड़ा सा और मैं इस बात को आपके लिए पेश करना चाहूंगा, पहला क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फ्रेम ना खाओ ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे? ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अय्याश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बात तुम में ऐसा ही थे, मगर तुम खुदा मसीह के नाम से के रूह से धुल के और पाक हुए और आसपास भी ठहरे। अब मैं बात कर रहा था कि जब हम खुदावन में एक हो जाते हैं, पुराने अहदनामा में खुदावन को जो है ना उसको शोहर से तशबीह दी गई है, जो मेटाफर इस्तेमाल किया गया है वो हस्बैंड का इस्तेमाल किया गया है, और जो खुदा के लोग थे उनको बीवी कहा गया है। नए अहदनामा में यीशु को कलीसिया का दूल्हा कहा गया है और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। तो मैं बात ये करता कि जब हम उसमें हमारी नई पैदाइश हो जाती है तो हम उसमें एक हो जाते हैं, तन हो जाते हैं। और यहां पर जो बात मैं दरअसल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था एक तन होने की, तो पहला क्रंथियों का 6 बाब उसकी 15 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अजा हैं? तुम्हारे बदन मसीह के अजा हैं। ये जो हमारा बदन है खुदावन कलीसिया का सर है और हम उसके बदन के अजा हैं। बस क्या मैं मसीह के अजा लेकर कसबी के अजा बनाऊं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है उसके साथ एक तन होता है? क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे, और जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर, मगर हराम कर अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो? बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इट्स वेरी क्लियर कि जब हम खुदा में हम उसके उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। तो रूहानी शख्स वो है जो खुदावन के साथ एक होता है। देयर इज अ इंटीमेसी, देयर इज अ फेलोशिप, दोज़ हू आर अबाइडिंग विद हिम। जो डाली मुझ में पेवस्त रहती है वही बहुत सब फल लाती है। अंगूर का केकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। यूहन्ना का अंजील में उसका 15वां मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन के पाकरू के बारे में मैं जरूर और भी ज्यादा आपको सिखाऊंगा। इट्स अ गिफ्ट, दैट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इस अगर आप देखें ना ये जो पहले 7 जो अबवाब हैं रोमियों के, इनमें 4 दफा खुदावन के पाकरू का जिक्र आया है
और 20 दफा रोमियों के खत में खुदावन के पाकरू का जिक्र आया है। विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड द क्रिश्चियन वुड नॉट बी अ क्रिश्चियन। खुदावन के पाकरू के बगैर मसीही मसीही नहीं हो सकता। और ये खुदावन का वादा था जोएल की किताब में। हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने उस वादे को पूरा किया और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने जो भी हम पेशगोईयां जो हमको देखते हैं योएल की किताब उसका दो बाब और उसकी 28 और 29 आयत को हम देखेंगे। योएल की किताब उसका दो बाब उसकी 28 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये एक पेशगोई थी जो कि पूरी हुई जब इमाल की किताब में हम देते हैं जो पेंतिकोस के रोज पत्रस ने जब वास किया तो वहां पर ये पेशगोई जो है पूरी हुई। और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। तो ये वो वादा था जो खुदावन ने ईद पेंतिकोस के रोज जो है वो पूरा किया। इमाल की किताब में हम इस बात को देखते उसके दो बाप में। और जो पत्रस है वो कहता है कि ये जो वादा है ये तुम्हारे साथ जो खुदावन ने किया वो आज उस वादे को खुदावन ने पूरा किया। इमाल उसका दो बाप की 37 आयत को मैं आपके लिए वर्ड 37। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पत्रस और बाकी रसूलों का भाई हम क्या करें। पत्रस ने कहा तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हो और कुदस नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वायदा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये किसी की मलकियत नहीं है, ये खुदावन का वायदा है, ये खुदावन की बख्शिश है। और ये बात यार कि खुदावन का पाकरू जो है वो हुक्मे सानी है। हम जो तसलीस को मानते हैं हम ओनली जीसस वाले नहीं हैं, हम ओनली गॉड वाले नहीं हैं, हम ट्रिनिटी को मानते हैं, हम तसलीस को मानते हैं। खुदावन का पाकरू जो है वो हुक्मे सानी है, को इक्वल को एटर्नल, उसका एसेंस एक है, उसका बाप का और बेटे का एक ही जौहर है। वो तखलीक के काम में भी मौजूद था। पैदाइश की किताब से पहले बाब में देखा खुदा की रूह पानी की सतह पर जुंबश करती थी। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग अपॉन द वॉटर और खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी पर बनाए। वहां पर जो प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया सिंगुलर नहीं इस्तेमाल किया गया। आओ हम खुदा को अपनी इंसान को अपनी सूरत अपनी शिवी पर बनाए। खुदा का पाकरू जो है वो इटर्नल है, कम्युनिकेट करता है, टीच करता है, अदालत करता है, रहनुमाई करता है, तंबीह करता है, मलामत करता है। इसलिए हमें खुदावन के पाकरू की अशद जरूरत है। और ये वार्निंग भी है कि खुदावन के पाकरू को रंजीदा ना करो। मैंने पिछले दिन उसके बारे में सिखाया था। खुदावन का पाकरू जो है वो नाराज भी होता है, वो कंफर्टर भी है, वो हमारी हमें शफा भी देता है, वो सच्चाई का रूह है, हमें सिखाता भी है, वो हमारे अंदर सुकूनत करता है, गाइड करता है, लीड करता है, हमें यकीन दहानी बख्शता है, हमें गुनाह से बचाता है, वो हमारे जरिए लोगों से जो है वो हम कलाम होता है, उसकी वजह से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, वो हमें दुआ करना सिखाता है, वो दुख और तकलीफ में हमारी मदद करता है। लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मुझे सोच सके वक्त जो है वो मेरे पास ज्यादा नहीं है। मैं कल 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है और वक्त काफी हो चला है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत जरूरी है। तो कल हम इस बारे में गौर करेंगे कि जो स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं उनकी
पोजीशन क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या होती है और फिर उनका लाइफस्टाइल क्या होता है. दीज थ्री थिंग्स वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो. सो प्लीज जरूर प्रोग्राम को देखिएगा, खुद भी देखें, अपने अजीजों दोस्तों को भी सिखाएं, उन्हें बताएं ताकि वो इस प्रोग्राम को देखें. स्पिरिचुअल माइंडेडनेस क्या है, हमारा तरीका हयात जो है वो कैसा होना चाहिए और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या इसका फायदा होता है और खुदावन का ज़ेन जो है वो क्या है. खुदावन के पाकरू को स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट भी कहा गया है. तो ये चूंकि एक बड़ा वसी मजमून है और ये जो मैंने जो टेक्स्ट चुनी है रोमियोस कार्ड बाप बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको जरूर सीखे. इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको सख्त गजा की जरूरत है, अभी तक दूध पी रहे हैं. डायग्नोज योर सेल्फ, अपने लाइफस्टाइल को देखें, अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिशात को देखें, अपनी पोजीशन को देखें, कहां पे आप खड़े हैं. और ये जो मजमून है इस पर हम और ज्यादा गौर करेंगे कि यीशु का ज़हन कैसा है और अगर हम जिस्मानी हैं तो फिर हम कहां स्टैंड करते हैं, अगर हम रूहानी हैं तो वो फिर हमारा तरीका हयात जो है वो कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल माइंडेडनेस होना क्या है, इसको हम और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे. आइए हम दुआ मांगे और खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें तमाम तरह की ऐसी बातों से जो कि हमें खुदावन से दूर ले जाती है उनसे बचा कर महफूज रखे. खुदावन हमारे अंदर अपना पाकरू से दिया है, उसको हम अलाउ करें कि वो हमारी जिंदगी में काम करे और हम खुदावन के सामने जब हाजिर हों तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो कहे क्या है मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ ये बात शाही तुम्हारे लिए बिना आलम से तैयार की गई है. आइए हम दुआ मांगे. मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तू हमें संभालता है. ए प्यार खुदा, उन तेरे सुंदर कलाम के लिए जिसको हमने सीखा तेरा शुक्र करते हैं. खुदावन हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई, हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानिंद है, हमें तेरे पाकरू की जरूरत है. खुदावन हमें नई पैदाइश का तजर्बा अता फरमा ताकि खुदावन हम तेरी बातों को जानते हुए, तेरे कलाम को समझते हुए नए तौर से जिंदगी बसर करें. खुदावन मैं इस वक्त दुआ करता हूँ कि वो लोग जो आज खुदावन अपने आप को तुझे देना चाहते हैं, जो तेरे साथ एक तन होना चाहते हैं, खुदावन मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी कुव्वत चाहता हूँ. आसमानी बाप इन्हें छुए ताकि ये आपके साथ एक तन हो जाएं, आपकी बातों को, आपके ख्यालात को, आपकी सोचों को, आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें. हेवनली फादर, आई आस्क योर अनॉइंटिंग अपॉन ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु आर लिसनिंग योर वर्ड, दोज हु आर ओबीडिएंट टू योर वर्ड, दोज हु वांट टू सरेंडर इन योर प्रेजेंस, दोज हु वांट टू बिकम वन विद यू, प्लीज ब्लेस देम एंड अनॉइंट देम, गिव देम स्ट्रेंथ, गिव देम पावर, एम्पावर देम with your Holy Spirit. Bless them. Loving God, I ask your blessing upon all the people, those in the hospital or at home. I ask your protection for the children and for the parents and the teachers and all the NHS staff. I ask your wisdom for our Prime Minister Boris Johnson and his cabinet members. Loving God, as we are thinking about opening the churches, we are seeking your guidance, your protection for your people. Heavenly Father, please help us that we may glorify your name. Asmani Baap, madad kijiye, parham kijiye, aur sari waba ko dur kijiye, is sari aludgi ko dur kijiye, taaki tere log itminan ke saath apna karobar kar saken. Khuda, jo log business karte hain unke liye teri barkat chahta hu, उनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत चाहता हूँ. जो लोग बेरोजगार हैं खुदावन, तो उन्हें रोजगार मुहैया कर. मैं हेस्टन नेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च की कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए एक एक फर्द के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा चाहता हूँ. खुदावन मदद कीजिए, बरकत दीजिए और आज का तमाम दिन हमारे साथ होना. यीशु के
बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शाकत से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप जब जाते हैं यूट्यूब पर तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीजों दोस्तों को इसका लिंक दें ताकि वो जरूर इस वीडियो को देख सकें। इसको एक जिम्मेदारी समझा करें, आप इसको इतना लाइटली ना लें। कल जब मैं रात को तैयारी कर रहा था तो मैं नोट्स तैयार कर रहा था तो मेरे दोस्त का मुझे फोन आया तो कहते हैं यार क्या कर रहे हो, तो काफी टाइम हो गया था रात को, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा यार मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, तो कहते यार नाश्ता, कहते ये कौन सा टाइम है नाश्ते का, तो मैंने कहा नहीं मैं रूहानी जो नाश्ता वो तैयार कर रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट शो के लिए जो ना वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ, तो बड़ा वो खुश हुआ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व इन दैट बिकॉज आई नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सारी बातों को तैयार करने के लिए, तो इसकी कदर किया करें कलाम की। मैं ये नहीं अपनी को बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये खुदा का बड़ा खूबसूरत कलाम है, इसकी कदर करें, इसको महफूज करें अपने दिलों में और दूसरों के साथ बांटें। देखिए जब भी कोई अच्छी चीज़ आप दूसरों के साथ बांटते हैं तो खुदा आपको भी बरकत देता है, हम लोगों को भी बरकत देता है, लेकिन अगर आप दूसरों को नहीं बताते तो आप सेल्फिश हैं। ऑनेस्टली मेरे ये अल्फाज बिल्कुल अपने जहन में रखें, कलाम ये कहता है कि जो नेकी करना जानता है वो नहीं करता उसके लिए गुनाह महसूब होता है। अगर आप जानते हैं कि ये कलाम दूसरों तक पहुंचाने से उनकी बेहतरी होगी, किसी की जिंदगी बदलेगी, किसी का जहन बदलेगा, किसी की सोच बदलेगी, तो ये आप उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, खुदा उन खुश होगा, ये नेकी है। मैं इसको एक नेकी समझ के और एक अच्छा काम समझ के कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि इस काम को मेरे साथ मिलके कीजिए। मैं देखता हूं कि लोग जो इधर उधर की वीडियोस हैं और जो इस तरह की जो फजूल बातें हैं उन पर बड़ा टाइम देते हैं, उनको शेयर करते रहते हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि ये खुदा का कीमती पाक कलाम है? आपको कोई टाइटल लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्लर्जी कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा जी मैं पादरी हूँ तो फिर ये काम करूंगा। मैं पादरी साहबान से भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज आप अपने कलीसिया में अपने लोगों को ये बताएं, इसको फ्री ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर, एप्पल पे, एंड्रॉयड पे, और इसके अलावा आपके पास वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, लोगों को बताएं। 24/7 ये प्रोग्राम जो है बाइबल टीवी ग्लोबल पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे इसको लाइव जो है कर रहे होते हैं, तो इसको एक ये अखीर दिन है, इसको एक जिम्मेदारी समझे और जितना भी आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए, इसकी वेबसाइट को शेयर कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। ये कोई नोबल चैनल नहीं है, ये बाइबल टीवी है, और बाइबल टीवी को ये समझें कि ये खुदा का कलाम है, खुदा ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, खुदा ने आपको एक माध्यम दिया है, उसमें आप इसको इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं, और जो खुदा का पाक कलाम शेयर कर सकते हैं उनको मैं दावत देता हूं कि जरूर आप आगे बढ़ें और अपने मैसेजेस जो हैं उनको रिकॉर्ड करवाएं, मुझे कॉन्टेक्ट करें, और अगर आप खुदा का पाक कलाम पेश करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। ये 24/7 हमारे पास एक माध्यम मौजूद है, इस मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन मेरी आपसे ये विनती है, दरख्वास्त है कि प्लीज प्लीज आप जरूर इसको दूसरों के साथ बांटें, और इसको जब आप जाएं बल्कि YouTube पे और इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाए और आप खुदा के पाक कलाम को बाकायदगी के साथ सीखें। वो लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो मुझे फोन करते हैं और उनको बरकत मिलती है, तो मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो कि बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिनमें हमारे एल्डर साहबान हैं, जनाब एल्डर सुहेल डीन साहब हैं, भाई अरुण सिंह हैं, सुमन दीदी हैं, बहन वीनस हैं, इसके बाद मैं देख रहा हूँ ग्लोरिया बेटी हमारे साथ हैं, जिशान हैं लाहौर से, आज एल्डर अमरीन भी हमारे साथ हैं, तो ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि लंबी लिस्ट है, तो मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ
कि आप इतना इनकरेज करते हैं. कल भी अरुण भाई ने फोन किया और उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे हौसला दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. और जो मेरे एल्डर साहबान हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग हैं, और मेरी कलीसिया हेस्टनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च. गॉड ब्लेस यू. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ड्राइविंग फोर्स है. तो बहुत जल्द हम सब मिलकर खुदा के घर में आएंगे. हाँ, कल हमारी जो चर्च की ऑनलाइन जो मीटिंग होगी, तो आप जरूर उसमें शामिल हों जो चर्च के मेम्बरान हैं, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों के बारे में प्रोग्राम जो उनको तय कर सकें और उसके बारे में सोचो विचार कर सकें. तो चर्च बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस संडे हम फिजिकली कम्युनियल सर्विस जो है यहाँ पर करेंगे. तो अगर आप किसी और चर्च में नहीं जा पा रहे तो यू आर वेलकम. आप आए हेस्टनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में, आप हमारे साथ मिलकर इबादत करें. सुबह 10:30 इंग्लिश में और 2 उर्दू हिंदी में हम इबादत करेंगे. एड्रेस है जी 309 विक्रेज फार्म रोड, हेस्टन, हंसलो, TW50DR. ये बिल्कुल हंसलो वेस्ट स्टेशन के करीब है और बस स्टॉप जो है बिल्कुल हमारे चर्च के सामने है. तो वेस्ट लंदन में ये चर्च है. अगर आप लंदन के एरिया में हैं या दूसरी जगह से भी आना चाहते हैं तो आप जरूर आए. अगर आप Tier 3 में हैं, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, लेकिन जैसे खुदा आपको मौका देता है तो आप जरूर आए. और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए दुआ करें और हमसे दुआ करें कि ये चैनल और ज्यादा बढ़े और तरक्की करे और खुदा का नाम इज्जत जलाल पाए. खुश रहें और खुश रखें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.